फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइलेंट क्लासेस। आपका इन मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं 15th क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो एकदम धमाकेदार क्वेश्चंस हैं। ये या तो किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं या तो आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन 15 क्वेश्चंस को करने के बाद मैंने इसी वीडियो में लास्ट में एक टेस्ट भी रखा है, जो जिसका आंसर 10 सेकंड्स में आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं बाद में वीडियो अपलोड करने के बाद जरूर चेक करूँगा कहाँ तक आपका आंसर सही है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। लेकिन उससे क्वेश्चंस पे जाने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एक नंबर क्वेश्चन है, दी पैथन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विथ द हेल्प ऑफ विच रिवर। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर टू है, द परसेंटेज ऑफ द इरीगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 35 एंड ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डेट इज कन्याकुमारी इज। ऑप्शन ए नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी साउथ ऑफ इक्वाटर, ऑप्शन सी साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, विच इज नॉन एज पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है पेनिनसुलर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी को कहते हैं पेनिनसुलर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, द पास लोकेटेड एट द साउथर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। ऑप्शन ए द पालघाट गैप, ऑप्शन बी द भोरघाट गैप पास, ऑप्शन सी द थालघाट पास एंड ऑप्शन डी द गोल्डन पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द पालघाट गैप। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ द इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया। ऑप्शन ए है हायर पर एकर फील्ड ऑफ शुगर केन। ये सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, चार फैक्टर्स दिए हुए हैं। पहला फैक्टर है हायर पर एकर फील्ड ऑफ शुगर केन, दूसरा फैक्टर है हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, तीसरा फैक्टर है लोअर लेबर कॉस्ट, चौथा फैक्टर है लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। और ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से एक चॉइस करना है। पहला ऑप्शन है फैक्टर वन एंड टू, मतलब ये वाला फैक्टर हायर पर एकर फील्ड ऑफ शुगर केन एंड हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, ये दोनों सही है। या फिर ऑप्शन बी में है वन टू एंड थ्री, मतलब हायर पर एकर फील्ड ऑफ शुगर केन, हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, लोअर लेबर कॉस्ट, ये तीनों सही है। या फिर ऑप्शन सी है वन थ्री एंड फोर फैक्टर्स, मतलब ये वाला हायर पर एकर फील्ड ऑफ शुगर केन, तीसरा है लोअर लेबर कॉस्ट एंड चौथा है लोअर क्रशिंग पीरियड, ये सही है। या फिर वन टू फोर, ऑप्शन नंबर डी वन टू फोर, हायर पर एकर फील्ड ऑफ शुगर केन, हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, द यारलोंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नॉन एज। यारलोंग जांगबो रिवर कौन सा रिवर है, यारलोंग जांगबो रिवर, उस रिवर को भारत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर डी, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। सलाल परियोजना
किस नदी पर बनाई गई है सलाल परियोजना पर? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ओनली जोन इन कंट्री डेट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज ऑल्सो रिच इन आयरन इज, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है द ओनली जोन इन द कंट्री डेट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज ऑल्सो रिच इन आयरन इज, ऑप्शन नॉर्थ ईस्टर्न जोन, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्टर्न जोन, ऑप्शन सी साउथर्न जोन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथर्न जोन। जल्दी से क्वेश्चन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाई इंडिया इज, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाई इंडिया इज, ऑप्शन ए 2.4, ऑप्शन बी 3.4, ऑप्शन सी 4.5 एंड ऑप्शन डी 5.4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर फैक्टर इफेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मानसून टाइप ऑफ द क्लाइमेट इन इंडिया। ऑप्शन ए लोकेशन, एक्चुअली में ये फोर फैक्टर्स दिए हुए हैं और इसका ऑप्शन सी यहाँ पर है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 2, 3, 4, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए ज़रा फैक्टर्स पर नज़र डालते हैं क्या क्या फैक्टर्स दिया हुआ है। फैक्टर 1 है लोकेशन, फैक्टर दूसरा दिया हुआ है थर्मल कॉन्ट्रास्ट एंड फैक्टर 3 दिया हुआ है अपर एयर सर्कुलेशन एंड लास्ट फैक्टर दिया हुआ है इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट डेटा इज, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डेटा इज, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी स्टैटिक एंड ऑप्शन डी डिक्रीजिंग इन ओपन फॉरेस्ट एरिया बट इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड फॉरेस्ट एरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग। ओबियसली जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज ही करेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन, द इंडियाज हाइएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट, ऑप्शन ए नामची सिक्किम, ऑप्शन बी कुरू राजस्थान, ऑप्शन सी माहेश्वरम मेघालय, ऑप्शन सी ऑप्शन डी चंबा हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माहेश्वरम मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ऑप्शन ए कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द रेडक्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन, रेडक्लिफ रेखा जो है किस दो रेखाओं के देश के बीच बाउंड्री है? पहला है इंडिया पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया चाइना, तीसरा है इंडिया एंड म्यांमार एंड चौथा है इंडिया एंड अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था फ्रेंड्स कि वीडियो को आंसर देने के बाद मैं एक टेस्ट कंडक्ट करवाया हूँ वीडियो के दौरान जो कि 10 सेकंड्स के हैं। सो अब वो टाइम आ गया है कि आप लोगों को एक टेस्ट देना है, यही सारे वीडियोस को आप लोगों के टेस्ट के दौरान देना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं क्वेश्चंस पढ़ता जाऊंगा, ऑप्शंस बोलता जाऊंगा और आपको आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द पायथान जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विथ द हेल्प ऑफ जापान ईच ऑन द रिवर, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त, 10 सेकेंड दिया गया था वो 10 सेकेंड ख़त्म हो गया और मैं अब इसका आंसर देने वाला हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट, ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन डी 35 एंड ऑप्शन सी 35 एंड ऑप्शन डी 25। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डेट इज कन्याकुमारी इज, ऑप्शन ए नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी साउथ ऑफ इक्वाटर, ऑप्शन सी नॉर्थ ऑफ द कैप्रिकॉर्न एंड ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ इक्वाटर। आपका समय शुरू होता है अब। समय खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्थ ऑफ इक्वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पास लोकेटेड एट द साउथर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड, ऑप्शन ए द पालघाट, ऑप्शन बी द बोरघाट गैप पास, गैप नहीं है पास है, ऑप्शन सी द थालघाट पास एंड ऑप्शन डी द बुलिन पास। इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द पालघाट गैप, ये वाला ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ऑप्शंस की तरफ नजर डालते हैं एक बार। ऑप्शन ए है हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार, ऑप्शन बी है खेतरी एंड दारीबो एरियाज ऑफ राजस्थान, ऑप्शन सी है अनंतापुर इन आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है सिकुआकिक्स इन उत्तर प्रदेश एंड इन कर्नाटक। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार, ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया। ये 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हायर पर एकर फील्ड ऑफ शुगर केन, फैक्टर 2 है हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, फैक्टर 3 है लोअर लेबर कॉस्ट एंड फैक्टर 4 है लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। ऑप्शन ए 1 in 2 फैक्टर्स, ऑप्शन बी 1 2 3 फैक्टर्स, ऑप्शन सी 1 3 4 फैक्टर्स एंड ऑप्शन डी 1 2 and 4 फैक्टर्स। आपका समय शुरू होता है अब। समय खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 and 4 फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द यारलुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन डी महानदी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका समय शुरू होता है। वो टाइम आउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सलार प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर, सलार परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन सी डी सतलज।
इसका सही आंसर आपको देना है विद इन 10 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम आउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली जोन इन द कंट्री डैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज ऑल्सो रिच इन आयरन इज नॉर्थ वेस्टर्न जोन, साउथ वेस्टर्न, साउथर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, नन ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साउथर्न जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज होल अर्थ सरफेस, द परसेंटेज ऑफ होल अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज ऑप्शन ए 2.4, ऑप्शन बी 3.4, ऑप्शन सी 4.4 एंड ऑप्शन डी 5.4। इसका सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.4। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर फैक्टर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ द क्लाइमेट इन इंडिया। व्हाट्स द क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइप ऑफ द क्लाइमेट। द फैक्टर्स आर लोकेशन, थर्मल कंट्रास्ट, अपर एयर सर्कुलेशन, इंटरट्रॉपिकल कवरिंग जोन। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। वो टाइम आउट। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डेटा इज ऑप्शन ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी स्टैटिक एंड ऑप्शन डी डिक्रीजिंग इन ओपन फॉरेस्ट एरिया बट इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड फॉरेस्ट एरिया। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्रीजिंग। और ऐसा क्यों होगा ये आप लोग मेरी वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, मैंने इसका आंसर बताया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट ऑप्शन ए नैम की सिक्किम, ऑप्शन बी कुरु राजस्थान, ऑप्शन सी मायासरन मेघालय एंड ऑप्शन डी चांबा हिमाचल प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मायासरन मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। आपका समय शुरू होता है अब। वो टाइम आउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द रेडक्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन सी इंडिया एंड म्यांमार, ऑप्शन डी इंडिया एंड अफगानिस्तान।
this is the last question of this video, so please give this answer correctly in the comment box. Your time start now. टाइम आउट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं अगले कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।